गड्ढा भी शांति रखे, मैं बिठा रहा हूं ना, आप मत बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। भाई कार्यकर्ता ना बोले बैठ जाएंगे वो फोटो लेकर, क्यों चिंता कर रहे हो? मित्रों आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिन में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और अप्रैल और मई में हमारा ये महान देश, इसके मतदाता आने वाले 5 साल तक इस देश का शासन किस पार्टी के साथ होगा, किस व्यक्ति के पास होगा, इसका निर्णय करने वाले हैं, फैसला करने वाले हैं। और वो जो फैसला करने वाले हैं उसमें आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इस जमाने के चुनाव में जितना महत्व घर घर घूमकर प्रचार करने वाले कार्यकर्ता का है, इतना ही महत्व सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर संदेश पहुंचाने वाले कार्यकर्ता। मित्रों देश की जनता ने एक प्रकार से तय कर लिया है, मैं करीब करीब देश के सभी राज्यों से होकर यहां आया हूं, जिस जिस कोने में गया, जिस जिस हिस्से में गया, जिस मत क्षेत्र के अंदर गया, हर जगह देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना था। युवाओं के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। मगर मैं आज आप सभी को मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि चुनाव तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करकर 12 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिताने का चुनाव। हम सब 400 पार का लक्ष्य तो याद रखे, 400 पार का लक्ष्य सिद्ध करना ही है, परंतु ये 400 में 12 कमल यहां से दिल्ली भेजने का काम तेलंगाना की जनता। सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपका यही मकसद है और बुनियादी फंडामेंटल बात यह है कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। और हम पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित जो 5 लाख बाहर है कश्मीर, उनका बारे में कौन बात करेगा? सर कुछ सियासी खड़ा है जो ये कह रहा है कि इससे आम आदमी का कुछ खास तौर से लेना देना नहीं है, आप जैसे खास तौर से आपका नाम लेके कि वैसे जैसे लोग सियासी लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटियां से। मैं क्या साइंटिस्ट नजर आ रहा हूं उनको? मैं क्या मोदी जी की तरह कोई फिलोसोफर हूं जो हर महीने में एक मरतबा ज्ञान देते रहते हैं? फैक्ट है ना, आसाम में आपने किया, झूठ है क्या मैं जो बोल रहा हूं? आसाम में आपने किया क्या? अमित शाह ने पार्लियामेंट में नहीं कहा था कि देश में एनआरसी एनपीआर होगा? झूठ है वो। जब वो होगा तो क्या होगा बताइए? जब वो होगा तो बायोमेट्रिक डेटा लेंगे आप, लोकल रजिस्टर में लिस्ट लगाई जाएगी, कोई भी जाकर ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं ये भारत का नागरिक नहीं है, अब सिलसिला शुरू, उसके बाद डाउटफुल सिटीजन मैं हो जाऊंगा। नहीं, उन लोगों का कहना है कि वैसी साथ में चले तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नागरिक बनवा दें। मेरी बात चलेगी ना तो 5 लाख कश्मीरी पंडित को लेकर जाऊंगा मैं, जो 10 साल में आपने नहीं किया, 10 साल में आपने नहीं किया। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को, वो कौन सा रिलीजन है उनका? हिंदू नहीं है वो, भूल गए बीजेपी उनको देश में ही। अच्छा मेरा बस चले तो मैं पूछूंगा बर्तानिया से, भिजा दो भाई वो 10,000 इंडियंस को जो आप लोग रोक के रखे हैं, आप लेने तैयार नहीं है उनको? भारत जब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है तो फिर रेफ्यूजीज की पॉलिसी पे क्या उनको स्टेप लेना पड़ेगा बोलिए हमको?
असदुद्दीन ओवैसी को आप दिखाते रहिए, कोई बात नहीं, मगर आप भी तो सिक्योरिटी, हम तो चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बने। जब आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे तो ये सब करना नहीं पड़ेगा आपको। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सर, इसके पहले सीएम को लेकर के बड़ा बवाल हुआ था, 2019 में फायर्स हुए थे, कई लोग मारे गए थे, तो अब क्या आपको अंदेशा है कि इस प्रकार का जो है अनरेस्ट रहेगा? हैदराबाद की आवाम इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी, देखना आप। सीमांचल की जनता किशनगंज में CAA के कानून के खिलाफ अख्तरुल ईमान को वोट देगी और हराएगी, आप देखना। ये CAA के सबसे बड़े पैरोकार और सूत्रधार आज आपके शहर में आपको कुछ कहना है? मैं जो कह रहा हूं उन तक सुनाई देगा, आप लोग पहुंचा देंगे उनको, उनको मालूम भी हो जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था, मेरे तरफ नाम देखकर कहा था, देख लीजिए NRC होगा, NPR होगा, क्यों होगा भाई, क्या मतलब उसका? यही तो आप करना चाह रहे हैं। जो मैं फिर से कह रहा हूं, आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC करने के बाद 16 कितना पैसा खर्चा किया था, 1600 करोड़, उसमें से करीब 10 से 12 लाख हिंदू भाइयों के नाम नहीं आए। उनको तो दे देंगे सिटीजनशिप आप। जो 1 से 1.5 लाख मुसलमान के नाम नहीं है वो क्या करेगा? और हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है कागज की भी, तो कागज रद्दी वाले कहीं जाएगा? वही तो हम बोल रहे थे। क्या अलग केस है? नहीं, क्या अलग केस है? नहीं नहीं, कैसा बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं आप? आप जब अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि NRC नहीं कराएंगे देश में, आप NPR नहीं होगा, सेंसस अलग है, सेंसस का एक्ट है, NPR NRC का सिटीजनशिप एक्ट के तहत आता, वो किसी और थम्सअप को जाकर ज्ञान दिए। ये जो दुम छल्लों को, जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दला रहे ना ये लोग, उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता, ना उनको कुछ NPR NRC के बारे में मालूम। हाँ, मगर गुलामी और चमचागिरी करना आता उनको। तेलंगाना असेंबली हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट सेंसस विल बी डन बट NPR NRS एक्सरसाइज विल नॉट बी डन इन तेलंगाना। इट वॉज अ यूनानिमस रेजोल्यूशन एंड आई एम श्योर नाउ दैट द कांग्रेस पार्टी इज इन पावर दे विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन एंड आई वुड रिक्वेस्ट द प्रेजिडेंट चीफ मिनिस्टर जनाब श्री रेवंत रेड्डी दैट अ रेजोल्यूशन हैज बीन पास इन द तेलंगाना असेंबली। गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ कंटिन्यूस फॉर्म, पार्टीज विल कम एंड गो। इट इज अ रेजोल्यूशन ऑफ तेलंगाना असेंबली। वी आर नॉट अगेंस्ट द सेंसस एक्सरसाइज बिकॉज सेंसस एक्सरसाइज डन अंडर अ पर्टिकुलर एक्ट। NPR NRC इज डन अंडर सिटीजनशिप एक्ट। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, दैट इज द कंसर्न। And what you have done in Assam, the BJP wants to do it throughout the country. प्रतिशत रिजर्वेशन देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम। और अभी अभी कल ही हमने कहा था हम CAA लाएंगे। कांग्रेस पार्टी CAA का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन,